नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 में आपका स्वागत है। ये मॉड्यूल का नाम है कला समेकित शिक्षा, यानी आर्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन, यानी आर्ट का समावेशन शिक्षा में करके बच्चों को लर्निंग आउटकम देना। तो इसमें पहली गतिविधि है अपनी समझ की जाँच करें, इसके प्रश्नों को हम लोग इस गतिविधि में देखेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसमें आपको सही और गलत का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल है, सही है या गलत? तो ये आपका सही है, क्योंकि विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि सभी शामिल रहता है। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा एक विषय है? तो कला समेकित शिक्षा एक विषय नहीं है, जबकि कला एक विषय है। समेकित इंटीग्रेशन होता है, यानी किसी चीज़ का उपयोग किसी चीज़ में करना, उसको कहते हैं समेकित। कला को समेकित करना है किसमें? शिक्षा में। कला आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी आर्ट भी हो सकती है, आपकी डांसिंग हो सकती है, आपकी जो है राइटिंग हो सकती है, आपकी स्पीच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई भी आर्ट का उपयोग आप करके अपने लाइफ की किसी भी जो भी आपके अंदर लगता है कि इसका हम शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस कला समेकित की शिक्षा की बात की जा रही है, जो कि एक विषय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जाएंगे गलत पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं? तो ये प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं है। प्रदर्शन कला के उदाहरण होते हैं जैसे डांस करना, गाना, ठीक है। तो जबकि फोटोग्राफी, कठपुतली, मुखौटा ये जो है आपके प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं है। तो इसमें हम लोग जाएंगे गलत ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कला समय की शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है? तो ये है गलत। कला समय की शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को नहीं बढ़ाता है ये। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली में ये इतने प्रश्न थे गतिविधि आधारित, तो इनको आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर लिखते जाइएगा। अगर कोई भी अन्य वीडियो आपको चाहिए तो वो भी अवश्य नोट किया करें, ताकि हमारे पास आपकी क्वेरी आ सके और मैं उन पर भी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।